Question number 14. If a minus b, comma a, comma a plus b are zeros of the polynomial, this one, write the value of a. ठीक है. एक polynomial दिया हुआ है और a minus b, a और a plus b इसका तीन zero दिया हुआ है. ठीक है. Cubic polynomial है तो इसका तीन zeros होगा और वो तीनों zeros दिया हुआ है. Write the value of a. ठीक है. इस a का value हमें find करना है. तो ये cubic polynomial है तो cubic polynomial में सम ऑफ जीरो क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. तो कोई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? माइनस सिक्स. और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया टू. और सम ऑफ जीरोस, तो हमें तीन जीरोस दिया हुआ है तो तीनों जीरो का यहां पे सम करके लिख देंगे. तीनों जीरो का सम करेंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये तीनों जीरो का सम हो गया. तो यहां पे क्या हुआ, माइनस बी प्लस बी तो कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए ये बच जाएगा 3a, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये बन गया 6 बाई टू, और 6 बाई टू कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3a. 3a इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू मिल गया हमें 1. तो सिर्फ पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू आ गया. अगर b का वैल्यू भी फाइंड करना रहता तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरो के बाद हम लिखते प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है. और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है तब उसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है, माइनस साइन नहीं होता है. लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है. तो माइनस कोएफिशिएंट, ये सॉरी कांस्टेंट टर्म क्या दिया हुआ, माइनस सेवन बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो गया टू, ये बन गया सेवन बाई टू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी, ये तीनों जीरो को हमने मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया. तो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये इंटू ए अलग से रहेगा. अब हमें ए का वैल्यू पता चल चुका है, ए का वैल्यू है वन, तो हम यहाँ पे ए के प्लेस पे का वैल्यू पुट कर देंगे. तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर इंटू ए के जगह पे वन इक्वल टू सेवन बाई टू. फिर इधर लिखते हैं तो वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सेवन बाई टू. तो वन सेवन बाई टू को हम लोग इधर लेफ्ट साइड ले आएंगे, वन माइनस सेवन बाई टू इक्वल टू बी स्क्वायर, तो टू माइनस सेवन हो गया माइनस फाइव बाई टू इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है. तो कुछ प्रॉब्लम है कहीं पे, क्योंकि स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, तो बी का वैल्यू तो कुछ भी आएगा ही नहीं. ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे यहीं पे खत्म. सिर्फ ए का वैल्यू फाइंड करना था, ए का वैल्यू आ गया हमारा.